स्पेशल सेल ACP एटर सिंह की सुपरविजन और इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह के नेतृत्व में स्पेशल सेल सदर्न रेंज की एक टीम ने मेवात बेस्ड अवैध हथियारों के सिंडिकेट से जुड़े सप्लायर को गिरफ्तार कर इंटरस्टेट गन रनिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया है। आरोपी की पहचान राजस्थान के भरतपुर स्थित पहाड़ी निवासी 39 वर्षीय ईशाब के रूप में हुई है। सेल को आरोपी के पास से 15 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स और 30 कारतूस बरामद हुए हैं। आरोपी ने पुलिस को बताया है कि वो अब तक 500 से ज्यादा हथियारों की सप्लाई कर चुका है। वो पिछले 3-4 सालों से दिल्ली NCR, हरियाणा और UP वेस्ट में अवैध हथियारों की सप्लाई कर रहा था। स्पेशल सेल के DCP प्रमोद कुशवाहा के मुताबिक मध्य प्रदेश के सेंधवा, खरगोन, धार और बुरहानपुर से हथियार लाकर दिल्ली NCR में अवैध हथियार तस्करी के सिंडिकेट से जुड़े लोगों को आइडेंटिफाई करने और अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ स्पेशल सेल ने मुहिम छेड़ रखी है। इसी मुहिम में स्पेशल सेल की एक टीम को इन्फॉर्मेशन मिली कि ईशाब नामक एक व्यक्ति दिल्ली NCR में इल्लीगल आर्म्स ट्रैफिकिंग के धंधे से जुड़ा हुआ है। अवैध हथियार तस्करी के सिंडिकेट से जुड़े ईशाब पर शिकंजा कसने के लिए स्पेशल सेल ने मैनुअल सर्विलांस और मुखबिरों का जाल बिछाया। 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद SI संजीव और हेड कांस्टेबल आश मोहम्मद को इन्फॉर्मेशन मिली कि 3 सितंबर को मेवात का कुख्यात हथियार तस्कर ईशाब अपने दिल्ली स्थित संपर्क को हथियार सप्लाई करने के लिए नई दिल्ली के मथुरा रोड पर मोदी फ्लाईओवर के पास शाम 4 बजे से शाम 5 बजे के बीच आएगा। इन्फॉर्मेशन मिलते ही इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह के नेतृत्व में SI संजीव, SI रंजीत, SI बलराज, SI देवेंद्र भाटी, हेड कांस्टेबल आश मोहम्मद, हेड कांस्टेबल अमित, हेड कांस्टेबल देवेंद्र दबास, हेड कांस्टेबल नवीन, हेड कांस्टेबल साजिद और कांस्टेबल हरवेंद्र की टीम ने मोदी मील फ्लाईओवर मथुरा रोड पर अपना ट्रैप लगाया। शाम करीब 5:30 बजे एक सस्पिशियस पर्सन अपने कंधे पर बैग लिए सरिता विहार से मोदी मील फ्लाईओवर की ओर आता दिखाई दिया। सस्पिशियस पर्सन मोदी मील फ्लाईओवर टन मथुरा रोड पर किसी इंतजार करने लगा। मुखबिर ने उसकी पहचान ईशाब के रूप में की। करीब 10-15 मिनट इंतजार के बाद वो आश्रम चौक की ओर चलने लगे, लेकिन इससे पहले कि वो वहां से भाग पाता स्पेशल सेल टीम ने उसे दबोच लिया। तलाशी में उसके बैग से 32 बोर की 15 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स और 30 जिंदा कारतूस बरामद हुए। स्पेशल सेल ने आरोपी के खिलाफ अंडर सेक्शन 25(8) आर्म्स एक्ट संशोधन 2019 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इस धारा में जुर्माने के साथ कम से कम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है और इसे आजीवन कारावास तक भी बढ़ाया जा सकता है। उसने इंटेरोगेशन में खुलासा किया कि वो ये हथियार खरगोन मध्य प्रदेश से लाया था और पिछले 3-4 सालों से दिल्ली NCR, हरियाणा और UP वेस्ट में इल्लीगल आर्म्स ट्रैफिकिंग के धंधे से जुड़ा हुआ है। उसने यह भी बताया कि करीब 3 साल पहले उसे पास के गांव के एक व्यक्ति ने हथियारों की तस्करी के गिरोह में शामिल होने का लालच दिया था। शुरू में ईशाब ने लगभग 2 वर्षों तक उनके कुरियर के रूप में काम किया, लेकिन बाद में उसने हथियारों की तस्करी का अपना नेटवर्क डेवलप किया। गिरफ्तार ईशाब ने आगे बताया कि वो मध्य प्रदेश से 10 से 12 हजार रुपए में पिस्तौल लाता था, दिल्ली NCR में फैले अपने नेटवर्क से जुड़े लोगों को 20 हजार रुपए में सप्लाई करता था। नेटवर्क से जुड़े लोग दिल्ली NCR, UP और हरियाणा के गैंगस्टर हार्डकोर क्रिमिनल्स को पिस्तौल 30 से 40 हजार रुपए में बेचते थे। ईशाब से पूछताछ में पता चला है कि वो पिछले 3 साल में दिल्ली NCR में 500 से ज्यादा इलीगल आर्म्स की सप्लाई कर चुका है। आरोपी से आगे की पूछताछ जारी है। इस सिंडिकेट के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का पता लगाने और गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।